ठीक से मेरे को 2 दिन भी नहीं हुए CS बने हुए, और सीधा मैं ICSI को सजेशन दे रहा हूँ। लाइक स्पीड देख रहे हो आप मेरी, यू नो कितने स्पीड से मैं काम कर रहा हूँ। ओके, बट सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट अगर देखा जाए तो CS और CA, चलो CA की बात नहीं करते, बट CS एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे वो लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने कभी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ काम ही नहीं किया, जिन्होंने ना ही, जिन्हें मास्टर डेटा के बारे में नहीं पता, V3 के बारे में नहीं पता, ओके, MCA की वेबसाइट के बारे में, जिन्होंने कभी अपने लाइफ में निप्स प्लेटफॉर्म में गए नहीं। वो निप्स प्लेटफॉर्म क्या होता है, जब भी कोई कंपनी NSE पे लिस्ट होती है तो NSE वाले उन्हें एक लॉगिन आईडी देते, राइट, लॉगिन आईडी पासवर्ड देते, जिससे वो उनके कंपनी का कंप्लाइंस करते, दैट इज़ निप्स प्लेटफॉर्म। उन्हें वो निप्स प्लेटफॉर्म नहीं पता, BSE का प्लेटफॉर्म नहीं पता, उन्होंने देखी नहीं है वो वेबसाइट होती कैसे है। और वो लोग CS के बच्चों को पढ़ा रहे, इमेजिन करो, राइट, जिन्होंने मीन्स डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर्स पढ़ा रहे हैं जिन्होंने कभी प्रैक्टिकल लाइफ में काम किया नहीं है, राइट, ऐसे IITians, IIMs, ऐसे MI, सोचिए IIT IIMs वालों के साथ ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे वही आके पढ़ाता है जिन्होंने, जिसके पास 20 साल का प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस हो, 20 साल 15 साल कम से कम, तब जाके वो उन बच्चों को पढ़ाएंगे, राइट। इवन डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, जिन्होंने एक्चुअल में काम किया है, राइट, जिन्होंने इंडस्ट्री में जाके काम किया है, वो आके पढ़ा रहे हैं। बट सिर्फ CS में ऐसा है कि कुछ बच्चे प्रोफेशनल पास हो रहे हैं, इवन दो वो इंटर्नशिप भी नहीं कर रहे एंड वो पढ़ाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि मतलब एग्जीक्यूटिव तक बच्चों को पता ही नहीं है कि मैं काम क्या करता हूँ। एक वो व्हील, एक पर्दा रहता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में मैं काम करूँगा क्या, ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं वो मास्टर MCA की वेबसाइट देख रहे हैं, राइट, निप्स का तो उन्हें एक्सेस मिलेगा नहीं, बट ना ही उन्हें वो फॉर्म्स रियल लाइफ में पता चल रहे हैं, जो भी फॉर्म्स वो देख रहे हैं, मीन्स एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके टीचर को ही नहीं पता हो, क्योंकि उनके टीचर ने वो कभी काम ही नहीं किया, इन शॉर्ट। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसे बंदा आ रहा है जिन्होंने अपने लाइफ में एक AGM देखी हो, कुछ बोर्ड मीटिंग्स देखी हो, क्वार्टरली कंप्लाइंस देखी हो, एनुअल फाइलिंग्स देखी हो, प्रैक्टिकली, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस आएगा, ओके, कंस्ट्रक्शन चालू है, प्रैक्टिकली ये काम होते हुए देखे हो, अपने आँखों से किए हो, उन्होंने ये काम किए हो, और वो आके पढ़ाए, तो कितना बड़ा गैप आएगा, राइट, वो पढ़ाने में कितना गैप आएगा। आई नो टीचिंग के लिए थोड़ा यू नो पैशन चाहिए, एक स्किल लगती है टीचिंग करते वक्त, बट वो चाहिए, बट ये भी चाहिए, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ पैशन आपके पास थोड़ी सी स्किल लैक कर रहे हो तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि क्वालिटी जो बच्चे आने वाले हैं फ्यूचर में, वो उनकी डिटेरियट होती जाती है वो क्वालिटी, ऐसा कोई अप्रिशिएट नहीं होती है, राइट। तो मेरा यही बोलना है, कुछ टीचर्स के पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 10 साल से 15 साल से वो CS के बच्चों को पढ़ा रहे, तो वो क्या कर सकते हैं, राइट, मैं उन्हें ऐसा सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप महीने में कम से कम 2 से 3 दिन, लगे तो 1-2 घंटा भी चलेगा, कोई PCS के ऑफिस में जाके बैठ जाइए कि वो क्या, बच्चे क्या काम कर रहे हैं, इंटर्न कैसा काम कर रहा है, कोई मैनेजर होगा तो वो कैसे काम कर रहे हैं, थोड़ा V3 के वेबसाइट को देख लीजिए। 1-2 हफ्ते पहले लिस्टेड कंपनी में अगर कंप्लायंस डिपार्टमेंट में आपको एक्सेस मिलता है, जो कि बहुत मुश्किल रहेगा क्योंकि इनसाइडर वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, इनसाइडर ट्रेडिंग का, तो एक्सेस तो मिलेगा नहीं, बट अगर बाई चांस मिल जाता है क्योंकि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, कोई स्टूडेंट आपको एक्सेस दिला देता है, तो वहाँ पे जाके देखिए कि AGM के 1 महीने पहले कैसा काम हो रहा है, बोर्ड मीटिंग के 7-8 दिन पहले कैसे काम हो रहा है। अगर टीचर्स ने वो देखा है जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस भी है, और जो टीचर भी एकदम राइट यू नो पीक पे चल रहे हैं, अपने प्राइम में चल रहे हैं, अगर वो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम देख लें एंड फिर वो बच्चों को सिखाए, यू नो, तो बहुत ही ज़्यादा, मैं बोल रहा हूँ जो आने वाले CS के बच्चे रहेंगे उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। क्योंकि सोचिए, इमेजिन कीजिए, प्रैक्टिकल काम का जीरो नॉलेज है और आप सिर्फ थ्योरी थ्योरी जो बुक में लिखा है वही पढ़ा रहे हो। आई नो उसमें भी अच्छा खासा टाइम लगता है, एक करेज लगता है, एक स्किल लगती है, बट प्रैक्टिकल काम का नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो ये पॉइंट मैं किसी टीचर के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, देखिए थोड़ा लॉजिकली बोल रहा हूँ कि हाँ भाई, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ एक एनुअल फाइलिंग, एक AGM, एक बोर्ड मीटिंग, कुछ क्वार्टरली कंप्लाइंसेस अगर आपने देख लियो, बस ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, अगर वो आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हो, किए हो, तो और भी अच्छा है, और फिर आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो तो बल्ले बल्ले, राइट। पहला ये बहुत बड़ी शिकायत है, राइट, ये सच में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, बट और CS में ऐसा हो रहा है, बाकी प्रोफेशन में नहीं होता है, बाकी मतलब CS में ऐसा होता है, बाकी जगह नहीं होता है ऐसा, बाकी जगह भी होता होगा तो ये बहुत गलत है भाई। कोई ऐसा डॉक्टर जिसने कभी रियल लाइफ में ऑपरेशन ही नहीं किया और वो इंडिया के फ्यूचर डॉक्टर्स को सिखा रहा है कि कैसे ऑपरेशन करना है, ये कैसे लाइक ये कैसे वर्क करेगा, राइट, ये तो वर्क ही नहीं करेगा प्रैक्टिकल लाइफ में। वो बच्चा मीन्स वो उसको फिर और टाइम लगेगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आते वक्त, जब भी वो आएगा, राइट।
अब आते हैं हम हमारे सेकंड पॉइंट पे जो इससे कनेक्टेड है। ओके, इस पर तो आईसीएसआई डायरेक्ट एक्शन ले सकती है और आई थिंक उन्हें लेना चाहिए, राइट। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो कि 21 मंथ्स की है, इतनी लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है? 21 महीने बहुत बड़ा टाइम है, राइट। आई थिंक जो परफेक्ट टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए 10 मंथ, दैट्स इट। वो भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 21 महीने से 10 मंथ पे आना चाहिए। सबसे पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 15 महीने की थी, और उससे पहले जाओगे तो आई थिंक 3 महीने 6 महीने की थी। बाद में उन्होंने 15 मंथ्स की एंड बाद में उन्होंने 12 मंथ्स की एंड बाद में 12 से 21 मंथ्स कर दी। पहली बात तो कुछ 6-7 सालों में ऐसा 3 चेंजेस आ गए। इमेजिन कीजिए जिस बच्चे ने, मैंने 21 मंथ्स की ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हो गई है, राइट, मैं प्रोफेशनल ग्रुप भी क्लियर है और 21 मंथ्स की ट्रेनिंग अभी है, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है, लास्ट 3-4 दिन बाकी है। मैंने 21 मंथ्स की ट्रेनिंग की, मुझे कैसा लगेगा कुछ एक बच्चे ने वही ट्रेनिंग सिर्फ 12 महीने की है और एक बच्चे ने वही ट्रेनिंग 15 मंथ्स की है, राइट। तो मीन्स ये इतना इनकंसिस्टेंट कैसे क्या है? कोई भी पॉलिसी में इतना इनकंसिस्टेंसी होती है ना, तो फॉरेन प्लेयर वो खुद इंडिया में वो इंटरेस्ट वो इन्वेस्ट नहीं करते, राइट। इतना इनकंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी यही दिखा रहा है कि मतलब एक्चुअल में आईसीएसआई को पता ही नहीं कि परफेक्ट टाइम पीरियड क्या है। एक पीरियड रहने दीजिए, और आई थिंक 10 मंथ का पीरियड इनफ है। पहली बात तो इवन दो मैंने 21 मंथ्स की कर ली ट्रेनिंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जिन्होंने 21 मंथ्स की करी होंगी। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 10 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग अच्छा खासा टाइम है प्रैक्टिकल चीज़ें सीएस की सीखने के लिए, राइट। लाइक मैं बोल रहा हूँ इतना कोई बड़ा काम नहीं है, मतलब कि आपको सीएस का काम सीखने के लिए 21 महीने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, राइट। इतना तो मैं गारंटी, मैंने फर्म में भी काम किया, लिस्टेड कंपनी में भी काम किया है, इतना लाइक इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं है कि आपको 21 महीने लगे। 10 महीने मोर देन इनफ है, 10 मंथ्स इनफ है। अभी एक और क्वेश्चन आता है, जिन बच्चों ने 12 मंथ्स की ट्रेनिंग की हो, क्या वो बच्चे कम होशियार है? क्या वो बच्चे कम, मतलब उन बच्चों का लाइक कम प्रमोशन होगा आगे जाके? क्या वो बच्चे कम, राइट, कम उनकी रैंकिंग्स कम है? और जिन बच्चों ने 21 मंथ की ट्रेनिंग की हो, क्या वो ऐसा एकदम अच्छे होशियार बच्चे? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसने 12 मंथ्स की हो, इवन मेरे जो लिस्टेड कंपनी में सर थे, उन्होंने 3 to 6 मंथ्स की ट्रेनिंग की थी, राइट, उन्होंने खुद ने बोला, और वो एकदम अच्छी पोस्ट पे सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग लेके। तो 21 मंथ ट्रेनिंग रखने का क्या फ़ायदा? 3 मंथ से लेकर 21 मंथ्स कितना गैप है? मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट 10 मंथ्स इज ऑल्सो मोर देन इनफ। आप 10 मंथ्स की ट्रेनिंग रखिए, वन मंथ की EDP, 10 मंथ्स की ट्रेनिंग एंड 1 मंथ का CLDP, दैट इज 12 मंथ्स। आप 24 महीने रखा है, अगर आप EDP CLDP मिला लोगे वो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है, राइट। वो टाइम को कम कीजिए, आप 1 साल बचा रहे हो एक स्टूडेंट की लाइफ से। वो 1 साल पहले अर्निंग स्टार्ट कर देगा, दैट इज़ लाइक वो इकोनॉमी भी कंट्रीब्यूट करेगा, वो बच्चे की मेंटल हेल्थ पे भी अच्छा असर पड़ेगा। 10 महीने बचा लो उसके, और ये काउंट भी नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप उतरोगे तो इंडस्ट्री में ये जो आपने 21 मंथ्स किया वो एज अ फ्रेशर ट्रीट करते हैं आपको, ये काउंट भी नहीं करते वो कि हाँ भाई इसको 21 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, वो इसे काउंट नहीं करते। तो और बच्चा डिमोटिवेट होता है, और स्टाइपेंड का भी प्रॉब्लम है। 12 महीने बच्चा निकाल लेगा, कम स्टाइपेंड मिलेगा तो भी वो बोलेगा चलो सिर्फ 12 महीने की तो बात है, बट 21 मंथ्स लड़का थक जाता है, कोई भी हो, लड़का लड़की जो भी हो, वो थक जाता है। वो बोलता है कितना है ये 21 मंथ्स। और मैं खुद बोल रहा हूँ ना, किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए जिसने 5-6 महीने की उसकी इंटर्नशिप कर ली है, और उसे पूछना भाई कुछ एक्स्ट्रा सीखने मिल रहा है क्या, वही काम है? वो बोलेगा भाई अभी वही 6-7 महीने के बाद वही रूटीन काम चालू हो जाता है कि जो मैंने 4 महीने में सीखा वही अभी रूटीन काम रिपीट हो रहा है। तो आई थिंक 10 महीना मोर देन इनफ है। आप ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, आप वोट करवा लीजिए, ICSI के पास तो डेटा होगा, राइट। सबके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास मेल भेज दो, पूछो कि भाई 5 मंथ के बाद कुछ नया काम सीखने आता है कि? मैं बोल रहा हूँ एक एनुअल फाइलिंग भी देख लेना आपने 3 से 4 महीने की, दैट्स इट। 2 से 3 महीने एक एनुअल फाइलिंग देख लिया, आपके आंखों के सामने गई है, आप कैपेबल हो कि आप कोई भी कंप्लायंस डिपार्टमेंट में जाके बैठ सकते हो। ये तो मैं कुछ ज़्यादा ही कोई होशियार लड़का, पहली बात तो उस लड़के ने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया, मतलब वो होशियार लड़का है, राइट। वो 10 to 20% वाला लड़का है कि 10 से 20% पासिंग परसेंटेज वाला लड़का है? अब आप और उसको बोल रहे हो कि अभी 21 मंथ्स और ट्रेनिंग कर, ये सेंस ही नहीं बनाता। और आई थिंक ICSI इसे कम करने वाली है, ऐसा कुछ चल तो रहा है उनके बारे में। प्लीज़ इसको 10 मंथ तक लेके आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेरी तो ट्रेनिंग हो गई है, राइट, मेरे को कितना बुरा लगेगा अगर 10 महीने, बट ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ कि जो आने वाले बच्चे हैं उन बेचारों के लिए ये सिर्फ ट्रेनिंग 10 से 12 महीने तक की रहे, एटलीस्ट 10 महीने कर दो, दैट्स इट। ओके, और ये वाला पॉइंट इनफ है। आप जाके किसी भी बच्चे से जो भी इंटर्नशिप कर रहा है उसको पूछो
कि सच में अगर 10 मंथ की ट्रेनिंग रही तो कुछ फर्क पड़ेगा, वो बोलेगा कुछ नहीं उल्टा अच्छा है, राइट। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे बच्चे बोलेंगे, इस पर तो मैं बेट कर सकता हूँ, क्योंकि जिससे भी मेरी बात हुई है ड्यूरिंग दिस मंथ 21 मंथ्स, वो सब बोल रहे थे भाई 21 मंथ्स बहुत लंबा पीरियड है, राइट। कोई इंटरनेट पर आके नहीं बोल रहा होगा, बट जिससे भी मेरी बात हुई है सब बोल सकते हैं, वो बेट कर सकते हैं। इवन इसलिए मैं तो बार बार एनओसी ले रहा था, राइट, कि फॉर्म में आया, चलो सीख लिया बहुत, एनओसी लेता हूँ, कहीं और जाता हूँ, लिस्टेड कंपनी का भी काम सीख लिया, बट फिर भी 21 मंथ्स बहुत स्ट्रेच हो जाता है, राइट। और ये काउंट भी नहीं होता है, स्टाइपेंड भी कम रहता है, ओके। वो सारी भी प्रॉब्लम है, आपको एज अ फ्रेशर ही ट्रीट करते हो 21 मंथ्स के बाद, ये भी प्रॉब्लम है, तो ये नहीं होना चाहिए। 10 मंथ्स का रहा, 10 मंथ्स की ट्रेनिंग रही तो बच्चे को फील नहीं होगा, ओके। और मेरा जो थर्ड पॉइंट है, ये भी अच्छा पॉइंट है, राइट, जो मेरा थर्ड पॉइंट है, मैं बोल रहा हूँ कि प्रोफेशनल में एक सब्जेक्ट AI के नाम पे इंट्रोड्यूस कीजिए। आपने ESG किया जो कि बहुत अच्छी बात थी, बट AI को जितना जल्दी हो सके, मतलब ये एक लाइक टिकिंग बॉम्ब है जो कि चालू हो गया है, सैम ऑल्टमैन ने चालू कर दिया है, अमेरिका ने ये बॉम्ब चालू कर दिया, और ये फटने वाला है पूरे वर्ल्ड का जॉब मार्केट अफेक्ट करेगा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, आप वो पूरा चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने फुल डिटेल में बात की है सैम ऑल्टमैन, एलन मस्क का क्या रोल था, राइट, ये AI कितना डेंजरस है, सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उस पर थोड़े नेगेटिव कमेंट्स आए, बट वो एग्जीक्यूटिव के बच्चे, आई कैन फील देम कि वो हाँ ऐसी बातें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, बट आप वो वीडियो चेकआउट करो। मैं बोल रहा हूँ कि जितना जल्दी ICSI स्टूडेंट्स को AI के बारे में अवेयर करेगी, AI के बारे में सिखाएगी, राइट, थोड़ा टेक और AI का मिक्सचर सिखाएंगी, उतना ही बच्चे लाइक कैपेबल रहेगी कि जब भी AI आए वो उसे डील कर पाए, राइट, उसका यूज़ कर पाए, ना कि उनके अगेंस्ट में AI यूज़ हो जाए कि उनका जॉब मार्केट चला जाए। तो मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट एक सब्जेक्ट, और ये प्लीज़ ऑप्शनल में मत रखना अगर आप कर रहे हो तो, एक AI का सब्जेक्ट आना चाहिए जो कि जल्द से जल्द आना चाहिए, अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ AI इज थ्रेट। वो वीडियो चेकआउट कर लो, मैंने पूरा बताया। तो ये मेरे बस ये तीन ही पॉइंट थे, बाकी वन ऑफ द वंडरफुल कोर्स है ये, आपको कंपनी लॉ, सेबी लॉ सब सीखने मिलता है, वंडरफुल टीचर्स है, अभी थोड़ा कवर अप कर रहा हूँ, ओके, टीचर्स के बारे में, राइट, नहीं मजाक कर रहा हूँ, अच्छे टीचर्स है, राइट, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल चीज़ें वो टीचर्स सीख ले तो मतलब क्या ही बात होंगी, राइट। और ट्रेनिंग का पीरियड अगर थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, शुड आई रन फॉर प्रेसिडेंट लाइक 2026 में मैं, राइट, कि ठीक है चलो मजाक कर रहा हूँ, ओके, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का काम कम हो जाए तो फिर तो ये कोर्स पे 4 चांद लग जाएंगे, राइट, और अच्छा हो जाएगा ये कोर्स की, ओके, टीचर्स थोड़े और अपडेटेड हो गए, टीचर्स अपडेटेड हो गए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का पीरियड कम हो गया, 10 महीने का हो गया, राइट। अभी फॉर एग्जांपल जो बच्चे 20वें CS क्लियर कर रहे हैं उनको बस 1 साल की ट्रेनिंग कर रही है, और 21-22 से वो अपना करियर पुश स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी अच्छी बात होगी, लाइक 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो टॉप 100 लिस्टेड कंपनी में बैठ सकते हैं, उनके पास इसी कैपेबिलिटीज रहेगी, राइट, 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, एट द एज ऑफ 33 वो एक कंप्लायंस ऑफिसर जो कि 100 ही पोजीशन आएंगी, टॉप 100 लिस्टेड मतलब 100 ही कंप्लायंस ऑफिसर बैठ सकते हैं, पूरे 140 करोड़ में वैसे 100 ही पोजीशन आएंगी, उसमें वो बैठने की कैपेबिलिटी रख सकता है वो बच्चा, ओके। कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच कर दिया मैंने ये पार्ट को, तो ठीक है, अगर ये 3 पॉइंट्स पे, और मैं इस पे किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं एज ओवरऑल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, ओके, थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, लॉजिकल बातें करो, लॉजिकल, ओके, एंड डू शेयर ये वीडियो अगर आपको लग रहा है हाँ यार ये होना चाहिए, एटलीस्ट इतना सा तो होना चाहिए, राइट। और अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो तो आप कुछ भी शेयर मत करो, सीधा पढ़ाई करो, ओके। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे ज़्यादा जोश में रहते हैं, अभी तो आप CS बने भी नहीं हो, राइट, एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाए तो फिर आप, हाँ, फिर लाइक आप उस फ्रेंड के लिए फाइट कर रहे हो, उस गर्लफ्रेंड के लिए फाइट कर रहे हो जो कि आपकी है ही नहीं, जो कि आपके सिर्फ दिमाग में गर्लफ्रेंड है, राइट, उसके लिए आप एकदम फाइट कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, झगड़े कर रहे हो, और इन द एंड वो किसी और की गर्लफ्रेंड बन गई। वैसे एक बार ये CS को एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लो, देन चांसेस हो जाएंगे कि 50-60% चांस होंगे कि आप CS का टैग लग जाएगा, तब जाके ये आंदोलन वगैरह करना, अभी सिर्फ पढ़ाई करो। प्रोफेशनल के बच्चे स्टैंड आउट कर सकते, थोड़ा आप बोल सकते ये वीडियो को पुश कर सकते वो, ओके, बाकी एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे आप सिर्फ पढ़ाई करो, एक बार एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लो फिर ये सारी चीज़ों पे बात करना। प्रोफेशनल के बच्चे जितने भी अभी पास हुए, जो भी प्रोफेशनल में एंटर किए, वो थोड़ा सा ये वीडियो को पुश करे तो उनके लिए अच्छा होगा, अगर 10 मंथ्स की ट्रेनिंग हो जाए, ओके। सो लेट्स गो, इतना आज के लिए इतना काफ़ी था, होप, और कोई भी डाउट, कोई भी पॉइंट पे अगर आपका लॉजिकल आर्ग्यूमेंट रहे तो कमेंट सेक्शन में करो, हम बात करेंगे उसके बारे में, ओके, बाय।